हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड के बारे में, या फिर ये कहें न्यू स्टोरी लाइन के बारे में, क्योंकि कहानी एक नए सिरे से शुरू हो रही है। क्योंकि पहले कहानी उलझी थी रिश्तों के व्यवहार में, रिश्तों के टकराव में, कि आखिरकार किसका रिश्ता किससे क्या है, वाकई में रिश्तों की बेड़ियां किसके यहां बंद रखी है। लेकिन अब यहां पर दांव पर करियर भी है तो रिश्ते भी हैं, तो पुराने रिश्ते निकल कर भी आने वाले हैं। अब यहां प्रीकैप आप लोग देख चुके हैं और पिछला एपिसोड भी आपको मैं बताता हूं कि क्या हुआ। यहां पर नॉर्मली हमें देखने को मिला सावन का उत्सव घर के अंदर, यहां पर अरमान के घर के अंदर, और मां साने जो है सभी समाज वालों को जो है ये साबित कर दिया कि तूफान के अंदर भी जो है वो लोग जश्न मनाया करते हैं। दूसरी ओर यहां पर जो माधव है उसने सच बता दिया है पूरी तरीके से कि अरमान की आई असल में कौन है और शिवानी आखिरकार कौन है, और यहां पर अभीरा को यह बात पता चल चुकी है। अब आने वाले एपिसोड के अंदर जो है अभीरा को अपने करियर पर पूरी तरीके से फोकस करना है, क्योंकि बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली उसे वो पोस्ट प्राप्त हुई है जिसे वो करना चाहती थी। लेकिन इस बीच में भी जो है यहां पर पावर सामने आने वाली है मासा की। अब यहां पर उन्हें लगता है कि कोई वकील भी बन सकता है तो केवल और केवल उनके अंडर में आकर ही, और सामने वाला वकील तो कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर उनका बोर्ड जो है उनके अगेंस्ट खड़ा है। तो ऐसे में यहां पर अभीरा जो है ओपन चैलेंज देते हुए नजर आने वाली है मासा को अपने ही अंदाज में, और मासा भी देखती रह जाएगी कि लड़की क्या है, और मैं भी देखती हूं कि किस तरीके से वकील बन पाती है, एडवोकेट बन पाती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहानी का जब होगा जब यहां पर अभीरा घर के अंदर ही आ जाने वाली है, वो भी माधव के साथ। अब यहां पर सीधी सी बात है, अरमान ने अपनी आई की तकलीफ है वो देखी है काफी ज्यादा, तो ऐसे में वो यहां पर माधव को बुलाने के लिए आने ही आने वाला है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उसकी आई को जरूरत है माधव की। और ऐसे में यहां पर उनकी एंट्री होने वाली है तो डेफिनेटली अभीरा भी साथ में होगी ही होगी। यहां पर अरमान के लिए तो हल्की सी खुशी क्या बड़ी सारी खुशी है ये कि अभीरा वापस आ गई है, लेकिन ये अभीरा के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि मां सा के रस्ते जो है वो और आसान हो जाएंगे, क्योंकि अब अभीरा जो है अपने करियर पर फोकस कर रही है एंड अरमान की सारी बाकी रिश्तों वगैरह से आगे निकल चुकी है। एंड उसके लिए मकसद है कि मैं हाँ इस छत नीचे भले ही रह रही हूं लेकिन मेरा मेन फोकस जो है वो अपने करियर पर होना चाहिए एंड मैं बड़ी वकील बनकर दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। अब यहां पर जो है मासा के लिए बड़ी आसानी हो जाने वाली है कि वकील बनकर आ रही है इस घर के अंदर, और अच्छा वकील बनना है तो भला मैं भी देखती हूं कैसे होने वाला है। तो वो दौर शुरू होने वाला है अब घर के अंदर चाल और साजिशों वाला, जो कि हमें नॉर्मली हर टीवी सीरियल के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि सीधी सी बात है जब अभीरा घर के अंदर आने वाली है, वकील का काम भी संभालने वाली है, तो यहां पर कभी डॉक्यूमेंट गायब होना, तो कभी ये होना, तो कभी वो होना, घर में जो चाल और साजिशें होती है वो चलने वाली है यहां पर। और माधव चाह कर भी जो है अभीरा को जो है पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी तो बेचारे को अपनी ड्यूटी करनी ही करनी है। इसी बीच में अरमान की असली मां की अपडेट आ रही है कि उनका रिटर्न भी कहानी के अंदर होने वाला है, जल्द ही उनकी एंट्री आपको नजर आएगी। हालांकि इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि कौन सा किरदार और मतलब किस तरीके की वापस से एंट्री होने वाली है एंड आने के बाद ये किरदार कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि यहां पर अब तक जो है जो हमें अरमान की आई देखने को मिली है उनका किरदार बड़ा ही इमोशनल और पॉजिटिव देखने को मिला है, तो ऐसे में यहां पर उनका गलत साबित हो जाना कहानी के अंदर ये पॉसिबल नजर नहीं आता है। तो हो सकता है कि यहां पर जब अरमान की असल आई फिर से रिटर्न करने वाली है तो उनका किरदार जो है हमें डार्क शेडेड देखने को मिले और यहां पर कुछ नेगेटिव टर्न लाते हुए देखने को मिले, ताकि ये माधव को भी समझ में आए कि यहां पर उन्होंने कितनी बड़ी नाइंसाफी जो है वो अरमान की आई के साथ कर दी है, यानी कि उसकी दूसरी आई के साथ, और इसके बाद कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। अब सीधी सी बात है, घर में पूरा परिवार जो है वकीलों से भरा पड़ा है, तो सभी की बुद्धिमानी जो हमें देखने को मिलने ही मिलने वाली है। पर हम सभी को पता है यार, इंडियन टेलीविजन का इतिहास रहा है कि जब भी विलन आता है ना तो होशियार से होशियार हीरो भी जो है मात खा ही जाता है, और लास्ट में विलन एक बार हारता है और उसके बाद कहानी से एग्जिट ले जाता है। अब यहां आने वाले एपिसोड के अंदर जो है आपको काफी शानदार सीन देखने को मिल रहे हैं, खासकर जो अरमान का किरदार है वो इन दिनों काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आया है कहानी के अंदर। मतलब वहां पहुंचकर झूला भी 2 सेकंड में लगा दिया, उसे देख भी लिया, एंड अभीरा वकील है उसके बावजूद जो है उसको पता ही नहीं चला कि घर के अंदर कोई बाहर आया, उसने झूला लगाया, मुझे देखा और वो चला गया, और यहां पर ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। ऑल ओवर दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आने वाले एपिसोड में जो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है मासा और अभीरा के बीच में, क्या लगता है कि क्या मोड आने वाले हैं इससे कहानी के अंदर, आपकी क्या राय है शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।